तो अभी तक हम लोगों ने क्रेडिट की बात की थी। तो क्रेडिट जो होता है, हम लोगों ने देखा था कि इन विच सिचुएशंस क्रेडिट सक्सेसफुल होता है, और जो भी जिस भी पर्पस के लिए क्रेडिट लेता है कोई, तो वो कैसे वही जो टारगेटेड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अचीव करने में इट प्लेज द सक्सेसफुल रोल, और कैसे ड्यू टू द क्रेडिट फेलियर तो कैसे वो किसी की भी लाइफ को एक पेनफुल सिचुएशन में ले आता है। तो क्रेडिट अब इंडिया में हम लोग देखेंगे कि कैसे क्रेडिट इंडिया में प्रोवाइड किया जाता है, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ क्रेडिट प्रोविजन इन इंडिया। सो देयर आर मेनली टू सेक्टर्स व्हिच प्रोवाइड द क्रेडिट इन इंडिया। फर्स्ट वन इज द फॉर्मल सेक्टर एंड सेकेंड वन इज द इनफॉर्मल सेक्टर। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर क्या होते हैं? एज द नेम इंडिकेट्स इटसेल्फ दैट फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है दैट समवन टेक्स अ लोन फ्रॉम द आइडेंटिफाइड सोर्सेज। आइडेंटिफाइड सोर्सेज लाइक बैंक्स हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, कोई रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो जहाँ जो भी मतलब एक रिकॉग्नाइज्ड होती है, एक आइडेंटिफाइड होती है, जो एक फ्रेमवर्क के अंदर, गाइडलाइंस के अंदर, एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, अगर आप वहां से लोन लेते हैं तो दैट लोन इज टर्म्ड एज अ फॉर्मल सेक्टर लोन या फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। और अगर आप किसी ऐसी जगह से लोन लेते हैं दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड, और ऐसे ही आपने किसी से जाके लोन ले लिया, जैसे मनी लेंडर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, और किसी रिलेटिव से आपने लोन ले लिया, तो दैट इज अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। तो वहां पर कोई रेगुलेटेड नहीं होता और कोई उनका एज सच टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती, तो वो लोग कितना भी आपसे इंटरेस्ट रेट और कोई भी उनका टाइम फ्रेम वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, बिकॉज नाइदर ऑफ द रेगुलेटिंग बॉडी इज प्लेइंग इट्स रोल देयर। सो अब फॉर्मल और इनफॉर्मल में हम लोग देखते हैं कि फॉर्मल सेक्टर का जो लोन होता है, फॉर्मल सेक्टर जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं अल्टीमेटली वो क्या होते हैं, कौन उनको कंट्रोल करता है। तो फॉर्मल लोन्स क्या होते हैं? दे आर द लोन्स फ्रॉम द बैंक्स और कोऑपरेटिव्स। बैंक्स या कोऑपरेटिव से जो लोन लिए जाते हैं उसको फॉर्मल सेक्टर लोन बोलते हैं। कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सोसाइटी होती हैं। आरबीआई सुपरवाइज करता है द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ सेंट्रल बैंक अगेन कम्स इन द पिक्चर टू रेगुलेट द फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट। तो सुपरवाइज करता है जो फंक्शनिंग होती है इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स की, यानी बैंक्स वगैरह, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो आरबीआई यहाँ पर जो होता है इसका कंप्लीट होल चलता है। देन आरबीआई सीज दैट द बैंक्स गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंड ट्रेडर्स बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिसको SSI भी बोलते हैं, एंड टू स्मॉल बोरोवर्स। तो देखिए आरबीआई क्या करता है, आरबीआई सुपरवाइज करता है टाइम टू टाइम दैट कि जो भी बैंक्स इंडिया में काम कर रहे हैं, वेदर दे आर द पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, तो वो सारे बैंक्स जो होते हैं उनके लिए एक 40% का स्लैब रखा हुआ है कि एटलीस्ट 40% ऑफ योर टोटल क्रेडिट इट शुड बी गिवन टू द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को। तो PSL बोलते हैं इसको कि 40% टोटल लोन आप जो देंगे, जो टोटल क्रेडिट होगा उसका जो 40% होगा दैट शुड बी गिवन टू द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में क्या होता है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब होता है कि इंडिया में जो भी प्रायोरिटी सेक्टर्स है, मतलब जिनको लोन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है, तो सबसे पहले लोन उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए, जैसे एग्रीकल्चर हो गया और एलाइड एक्टिविटीज हैं, एंड माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज है जिसको MSME बोलते हैं, एंड पुअर पीपल जिनको घर बनवाना है, हाउसिंग लोन हो गया, स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन लोन होता है, और अदर जो लो इनकम ग्रुप है जिसको LIG भी बोलते हैं, लो इनकम ग्रुप्स हो गया या फिर वीकर सेक्शंस जो हो गया, तो दे स्ट्राटा कम इन द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एरिया। तो इनको लोन जो होता है वो प्रायोरिटी पे दिया जाता है, और इस चीज को इंश्योर RBI टाइम टू टाइम करता है। तो 40% लोन जो होता है इनको दिया जाता है, और जो और लेकिन जो बाकी का लोन होता है दैट इज जनरली गिवन टू द प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस और ट्रेडर्स, जो भी मतलब जहां से आपको हाई इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो आप बाकी का जो रिमेनिंग क्रेडिट का पार्ट है वो आप वहां पर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट पीरियोडिकली, अब देखिए टाइम टू टाइम क्या होता है, जो बैंक्स होते हैं दे हैव टू सबमिट इन्फॉर्मेशन। बैंक्स क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम अपनी रिपोर्ट्स होता है, बैलेंस शीट होती है, वो सबमिट करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि ऑन हाउ मच दे आर लेंडिंग, वो कितना लेंड कर रहे हैं टोटल, कितना उनके पास अर्निंग बच रहा है, क्या इंटरेस्ट रेट वो ले रहे हैं। तो एवरीथिंग दे हैव टू शो डिस्प्ले टू द डिस्क्लोज टू द RBI इन देयर एनुअल रिपोर्ट्स। तो जो भी उनकी रिपोर्ट्स बनती हैं, जो भी ऑडिटिंग्स होती हैं बैंक्स की, तो उसमें जो होता है RBI के पास सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होती हैं कि
बैंक शुड बी वर्क इन द ट्रांसपेरेंट मैनर, ट्रांसपेरेंट मैनर में काम होना चाहिए, कोई भी चीज यू नो ओपेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि अल्टीमेटली इट विल यू नो द लॉस विल बी बॉर्न बाय द कस्टमर्स, कॉमन पीपल जिनका वहां पर पैसा रखा हुआ है. नेक्स्ट आता है इसमें इनफॉर्मल सेक्टर. अब ये इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है कि इनफॉर्मल सेक्टर में लोन कैसे दिए जाते हैं, कौन लोग होते हैं ये जो लोन प्रोवाइड करते हैं. तो देखिए इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, इनफॉर्मल लेंडर्स जो होते हैं, लेंडर्स मतलब वही जो क्रेडिटर से जो लोग लोन दे रहे हैं, ये कौन से लोग होते हैं, जैसे मनी लेंडर्स हो गया, ट्रेडर्स हो गया, एम्प्लॉयर्स हो गया, आपके कोई रिलेटिव हो गया या कोई आपका फ्रेंड हो गया. तो मनी लेंडर, ट्रेडर, कोई आपका एम्प्लॉयर है जिसके अंडर में आप काम कर रहे हैं, आपका कोई रिलेटिव है या आपका कोई दोस्त है जिससे आपने उधार ले लिया कि चलो मैं तुमको थोड़े टाइम बाद, इतने टाइम बाद मैं आपको वापस दे दूंगा. अब हो सकता है वो आपसे कोई इंटरेस्ट रेट ना ले रहे हो अगर बहुत अच्छा आपके साथ उनकी बॉन्डिंग है. लेकिन जो मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स या होते हैं या एम्प्लॉयर्स भी यू नो समटाइम, तो यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कभी कभी बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे चला जाता है. मतलब लोन आपका बहुत हाई इंटरेस्ट रेट ये लोग चार्ज करते हैं बिकॉज कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती, कोई सुपरविजन इनके ऊपर नहीं होता, तो ये अपनी मर्जी से जितना भी होता है इनको प्रॉफिट लगता है ये उतना लोन वहां पर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो चार्ज करते हैं. तो देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है कहाँ की ऑफिशियल या एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पर इनका पूरा सिस्टम बैठता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता. विद दे सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर, कुछ भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इनके पास नहीं होता है. दे कैन लेंड एट वॉट एवर इंटरेस्ट रेट दे चूज. अब जो इनका मन करता है या जो इनको लगता है कि ये मार्केट रेट चल रहा है तो इससे थोड़ा सा अब जो होता है ये अपना इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं. There is no one to stop them from using unfair means to get there. अब देखिए, अब इनके ऊपर जब कोई supervision power ही नहीं है तो इनको रोकेगा कौन? अब ये कोई भी unfair तरीके या methods को use करें अपना money वापस लेने के लिए. Suppose if the party या debtor जो जिसको इन्होंने पैसा दिया है वो टाइमली पैसा नहीं दे पा रहा है या फिर कोई उसके साथ प्रॉब्लम हो गई या इंटेंशनली अगर वो पार्टी मनी रिटर्न नहीं कर पा रही है, पे बैक नहीं कर पा रहा है, तो दे पीपल यू नो द लेंडर जो होता है ये लोग अनफेयर मीन्स को भी यूज कर लेते हैं. लाइक थ्रेटनिंग हो गया, उसको डराना, हैरेसिंग हो गया मेंटली फिजिकली, तो ये लोग आराम से करते हैं और इनको रोकने के लिए कोई होता नहीं है बिकॉज कोई सुपरविजन नहीं है. द कॉस्ट टू द बोरोअर ऑफ इनफॉर्मल लोन्स जो होती है, अभी जो कॉस्ट होती है ओवरऑल इस लोन की जो इनफॉर्मल सोर्सेज से लिया जाता है, ये कॉस्ट जो होती है बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट होती है एज नो रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन, क्योंकि कोई रिकॉर्डिंग तो इसकी होती नहीं है, ना कोई ऑडिट होता है, ना ही इन लोगों को कोई अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास. तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो पुअर होते हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन होता है सोसाइटी का, दे पीपल गॉट हैरेस्ट अगेन एंड अगेन. तो वही लोग पिसते हैं, उन्हीं लोगों के साथ हैरेसमेंट सबसे ज्यादा किया जाता है. तो अल्टीमेटली इट इज नॉट अ गुड सोर्स ऑफ द लेंडिंग और गुड सोर्स ऑफ द डेट, बट यू नो इन सम सर्कमस्टांसेस इट बिकम्स वेरी मच यू नो एसेंशियल टू टेक लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर बिकॉज वी नो दैट इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मिडल लोअर मिडल क्लास इनकम ग्रुप. इंडिया एक गरीब यू नो गरीब क्या एक मिडल इनकम ग्रुप कंट्री है. तो ज्यादातर लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनएजुकेटेड, दे डोंट हैव द यू नो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस विद देम. तो जब डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो बैंक्स हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, तो इनकी तो कंडीशंस होती है, यू हैव टू फिल द फॉर्म, यू हैव टू सबमिट द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स टू द बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस. तो जब आपके पास वो होंगे नहीं तो अल्टीमेटली यू विल फेल टू गेट द लोन फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशंस. तो अल्टीमेटली अब आपको तो पैसों की जरूरत है, तो आपको तो जरूरत के टाइम पर जहां से भी यू गेट द मनी, तो दैट विल बी द बेस्ट सोर्स ऑफ फॉर यू एट दैट टाइम. तो आपके लिए तो वही सबसे बेस्ट रहेगा उस टाइम पे. बट हाँ, दोनों इंडिया में इनफैक्ट अभी रिसर्च और रिपोर्ट्स वगैरह जो बताती हैं, सर्वे बताते हैं, वो यही बताते हैं कि फॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा जो लेंडिंग होती है वो इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर से होती है. क्योंकि देखिए ज़्यादातर लोन जो लिए जाते हैं वो अपने जो मिडिल क्लास या लोअर इनकम ग्रुप है वही लोग लेते हैं. तो वो लोग तो जो ये बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहाँ तक तो इन लोगों की अप्रोच ही नहीं है ड्यू टू द लैक ऑफ यू नो एजुकेशन, ड्यू टू द लैक ऑफ यू नो डॉक्यूमेंट्स, एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स लाइक आधार हो गया, पैन कार्ड हो गया और जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं बैंक्स की. तो जब वहां तक पहुंचेंगे नहीं तो लोन कैसे ले पाएंगे. तो अल्टीमेटली दे हैव टू यू नो दे हैव टू स्टॉप दे हैव टू इंक्लाइन देमसेल्व्स अप टू टिल द इनफॉर्मल सेक्टर. तो ये लोग इनफॉर्मल सेक्टर पे ही फुल्ली डिपेंडेंट रहते हैं. नेक्स्ट आते हैं वर्किंग ऑफ द कोऑपरेटिव्स एंड पीपल टेक लोन्स फ्रॉम द
कोऑपरेटिव, सभी कोऑपरेटिव्स क्या होती हैं, और जैसे बैंक हमें पता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हम लोगों को पता है, बट व्हाट अबाउट द कोऑपरेटिव, लोग यहाँ से लोन कैसे लेते हैं? तो देखिए बैंक्स के अलावा भी एक और मेजर सोर्स है जो सस्ते चीप क्रेडिट देता है इंडिया में, ठीक है, मेनली रूरल एरियाज में, जो गांव वाले अपने एरियाज हैं तो वहां पर जो लोन देता है दैट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है इंडिया में। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में क्या होता है कि ये इनको कोऑपरेटिव्स भी बोलते हैं। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज में क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव पूल के, मतलब कुछ नेबर्स हो गए या कुछ फैमिली नॉन पर्सन्स हो गए, ये लोग मेंबर्स बन जाते हैं कोऑपरेटिव, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, और फिर ये क्या करते हैं, जो भी इनके पास मनी होता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब ये नहीं बहुत ज्यादा, एक्स्ट्रा मतलब ये है कि हाँ इनकी बेसिक नीड्स के बाद जो थोड़ा बहुत इनके पास सेविंग बच जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं और कोऑपरेशन के, मतलब कोऑपरेशन के थ्रू मिलजुल के उसको कलेक्ट करते हैं इन सर्टेन एरियाज। तो सर्टेन एरियाज मतलब कुछ मेनली रूरल एरियाज में प्रेवलेंट है। तो बहुत सारे टाइप्स के कोऑपरेटिव्स हैं इंडिया में, जैसे फार्मर्स कोऑपरेटिव्स हैं, वीवर्स कोऑपरेटिव्स हैं, जो वीवर्स मतलब ये जो बुनाई वगैरह करते हैं, देन इंडस्ट्रियल वर्कर्स कोऑपरेटिव्स हैं, जैसे कृषक कोऑपरेटिव का एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है मैंने। तो कृषक कोऑपरेटिव कहाँ पर है, ये विलेज में काम करती है, जो कहाँ पर है, इट्स नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम द सोनपुर, सोनपुर एक एरिया पड़ता है आपका, बिहार में पड़ता है ये, तो वहाँ पर भी एक कोऑपरेटिव है फॉर द फार्मर्स, फार्मर्स के लिए जो काम करती है, जिसको कृषक कोऑपरेटिव बोला जाता है। इसमें करीब 2300 फार्मर्स हैं जो इसके मेंबर्स हैं। तो जब भी उन लोगों को जरूरत पड़ती है क्रेडिट की, लोन की, तो वो लोग क्या करते हैं, नाइदर दे प्रेफर टू गो टू द बैंकिंग सिस्टम, तो दे प्रेफर टू टेक द लोन फ्रॉम द कोऑपरेटिव। तो वो लोग क्या करते हैं, कोऑपरेटिव से लोन ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या आता है, देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ ऐड कर देती हूँ कि हु कंट्रोल्स द कोऑपरेटिव, क्योंकि हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, अगर अदरवाइज क्या होगा ना, क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि अगर कोऑपरेटिव्स भी का भी कोई रेगुलेटर नहीं है, कोई सुपरविजनिंग पावर नहीं है, तो क्या होगा, दे पीपल विल ऑल्सो हैरेस द पुअर यू नो मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। तो ये भी जो पुअर मेंबर है, जो बेचारे लो इनकम ग्रुप मेंबर्स है, जो ज्यादा निडी है मेंबर्स, उनको हैरेस करेंगे। तो इसके लिए क्या इनके ऊपर कोई रेगुलेटिंग बॉडी है, तो ये सब कोर्स रेगुलेटिंग बॉडी है। कोऑपरेटिव जो बैंक्स होते हैं, दे आर जॉइंटली रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया में इनको कौन रेगुलेट करता है, जॉइंटली मतलब दो ऑर्गेनाइजेशन से जो रेगुलेट करती हैं, एक तो आरबीआई और स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट मतलब जिस स्टेट में कोऑपरेटिव्स काम करते हैं, पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट का भी इनको कंट्रोलिंग होता है। लेकिन अभी यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं है थोड़ा सा भी कि दो दो मतलब रेगुलेटर्स हैं, तो आरबीआई को क्या करना चाहिए, इट शुड सुपरवाइज द बैंकिंग ऑपरेशंस ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो आरबीआई को क्या करना चाहिए, अल्टीमेटली आरबीआई को दे देना चाहिए जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, जैसे हम लोग देखते हैं तो जैसे नैनीताल अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स तो ये एग्जांपल है। तो अभी बात ये चल रही है कि हम लोग ऐसा करते हैं कि जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में कन्वर्ट होना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, तो उनकी एक ही सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगी, दैट विल बी द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि अदरवाइज क्या होता है ना, एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि दो दो अथॉरिटीज हैं, तो किसके ऑर्डर्स को फॉलो किया जाए, किसके ऑर्डर्स को इग्नोर किया जाए, तो ये प्रॉब्लम इंडिया में रहती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है, नेक्स्ट आता है इसमें कि उसके बाद फिर क्या होता है, देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट जो होता है, जो कोऑपरेटिव्स होते हैं दे एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर। अब ये लोग पैसा कहाँ से लाते हैं, मैंने बताया था जो भी इनके पास थोड़ा बहुत सेविंग बच जाता है, ये लोग उसी को एक्यूमुलेट करके आपस में कलेक्ट कर लेते हैं। अब ये जो डिपॉजिट्स होता है, ये लोग क्या करते हैं, इस डिपॉजिट को एज अ कोलेट्रल, कोलेट्रल मतलब गिरवी यानी मॉर्टगेज के तौर पर रखते हैं कहाँ पर, जो भी कोऑपरेटिव ऑब्टेन करते हैं लार्ज लोन फ्रॉम द बैंक। अब देखिए लार्ज लोन के लिए क्या करेंगे, अगर इन लोगों को ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा लोन चाहिए, किसी भी बहुत यू नो अर्जेंट नीड आ गई, तो उसके लोग क्या करते हैं, जो भी इनके पास पैसा है, जो भी इनके पास अपना मनी कलेक्ट हुआ है, अपने मेंबर्स का जो मनी है, उसको बैंक्स के पास रख देते हैं। बैंक्स के पास जैसे नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गया है ना, और सिका हो गया, तो इस टाइप के कुछ बैंक्स हैं इंडिया में जो काम कर रहे हैं मेनली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सॉरी रूरल एरिया एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो उनके पास ये लोग अपना पैसा रख देते हैं एज अ कोलेट्रल की भाई मतलब ट्रस्ट कि हम लोग जो है विद इन दैट गिवन टाइम फ्रेम वी विल रिपे योर लोन। तो लोन अमाउंट जो होता है, जो रिसीव्ड होता है बैंक से, और ये लोग उसको यूज करते हैं एज अ फंड्स टू प्रोवाइड लोन्स टू द मेंबर्स। तो मेंबर्स को जब भी लोन की जरूरत पड़ती है, तो वो जो बैंक से लोन लिया हुआ है पैसा, उसको ये लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब जिसको नीड होती है उसको पे करते हैं।
फिर एक बार मेंबर्स जो होता है वो रीपे कर देता है लोन अमाउंट को, तो फिर से इट इज रीपेड टू द बैंक, तो फिर से अल्टीमेटली बैंक को वापस कर दिया जाता है और उसी उन पैसों पर फिर से फ्रेश लोन लिया जाता है बैंक से। अब जो कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव प्रोवाइड्स करते हैं लोन्स टू इट्स मेंबर। देखिए अब ये लोन देते क्यों है अपने मेंबर्स को, मैंने बताया ना कि अल्टीमेटली ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं ये रूरल एरिया में कन्फाइंड है, तो क्यों लोन देते हैं ये लोग, जैसे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, कुछ एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, टूल्स हो गया, वो खरीदने हैं, लोन्स फॉर द कल्टीवेशन, कुछ आप फसल क्रॉप्स वगैरह कल्टीवेट करने जा रहे हो तो आपको लोन चाहिए कुछ उसके लिए, सीड वगैरह खरीदने के लिए, कोई भी मशीनरी के लिए, कोई एग्रीकल्चरल ट्रेड के लिए आपको लोन चाहिए, फिशरी लोन चाहिए, लोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड फॉर अ वैरायटी ऑफ अदर एक्सपेंसेस, यानी कि अल्टीमेटली योर एक्सपेंसेस आर कन्फाइंड इन टू द रूरल एरिया, तो उसके लिए जो भी आपको लोन चाहिए होते हैं वो इजिली आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, इट इज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, ये एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कमेटी होती है जो जिसमें यूजुअली कितने मेंबर्स होते हैं, 10 to 20 लोकल वेमेन या मेन भी हो सकते हैं, बिटवीन 18 to 40 ईयर्स, यानी कि जिनका एज ग्रुप जनरली क्या होता है, इट इज नॉट यू नो इट इज नॉट स्टैचुटरी बट जनरली कितना होता है, 18 से 40 साल तक की एज के लोग होते हैं। और ज्यादातर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ये इंडिया में लोकेटेड हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, और मेनली साउथ ईस्ट सॉरी साउथ यस साउथ ईस्ट एशिया में है, साउथ एशिया में है, ठीक है, तो काफी सारे ग्रुप्स जो है वो इंडिया में काम कर रहे हैं। तो अब ये चीजें स्टार्ट कहाँ से हुई थी, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बैकग्राउंड देना चाहती हूँ। तो देखिए इंडिया में कमेटी बनी थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर सी रंगराजन, सी रंगराजन के अंडर में एक कमेटी बनी थी और उसको ये काम कहा गया था। अभी ये रिसेंट ही मतलब रिसेंट की काफी पुरानी बात है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री पर आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया कि इंडिया के मोस्ट ऑफ द पीपल यू नो दे लीव देयर लाइफ इन द बिलो पॉवर्टी लाइन, बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं, बहुत गरीब लोग इंडिया में रहते हैं, बेसिक उनके पास जो इसेंशियल्स होते हैं लाइफ के वो नहीं होते हैं। तो अब वो लोग जब उनके पास बेसिक चीजें नहीं है लाइफ को स्पेंड करने की, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम दैट दे ऑल विल बी लिंकिंग विद द बैंकिंग सिस्टम, कि वो बैंक्स के साथ लिंक होंगे, उनका एक खाता होगा, अकाउंट होगा, और अल्टीमेटली सारे लोग जो भी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स है, जैसे हम लोग आजकल देखते हैं ऑनलाइन सब्सिडी ट्रांसफर की जाती है जिसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बोलते हैं DBT, तो वो सब जो जिनके अकाउंट्स आधार से लिंक है उन अकाउंट्स में आ रही है, जनधन योजना के थ्रू जो अकाउंट्स खुले थे, तो वो सब एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही मेथड्स थे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग मतलब फाइनेंशियली लोगों को स्ट्रांग करें, उनका अकाउंट जो है वो इंडिया में मतलब बैंकिंग सिस्टम से वो लोग अपने आप को लिंकअप करें, अपना जो भी उनका सेविंग है वो बैंक्स में डिपॉजिट करें। तो इसके लिए एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी बाय डॉक्टर सी रंगराजन, और देखिए उन्होंने इस रिपोर्ट में मेनली चार रीजंस बताए कि इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत कम है, मतलब सब लोगों के पास अपना अकाउंट नहीं है। पहला रीजन क्या था, इनएबिलिटी टू प्रोवाइड कोलेट्रल सिक्योरिटी। देखिए लोन लेने के लिए कोलेट्रल सिक्योरिटी चाहिए, कुछ गिरवी रखने के लिए चाहिए जिसके अगेंस्ट में बैंक्स लोन दे, तो उनके पास तो है ही नहीं, अगर वही चीज होगी तो उसको बेच के नहीं वो लोन देंगे, मतलब अपनी नीड्स को पूरा करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आता है, इनएबिलिटी टू प्रोवाइड कोलेट्रल, कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं है। सेकेंड, पुअर क्रेडिट अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी, क्रेडिट अब्सॉर्ब नहीं कर पाते, जो भी उन्होंने लोन लिया हुआ है तो जिस पर्पज के लिए लिया हुआ है वहां पर वो लोग खर्च नहीं कर पाते हैं। इनएडिक्वेट रीच ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो भी इंस्टीट्यूशन है उनकी पहुंच से, उनके अप्रोच से काफी दूर है। एंड वीक कम्युनिटी नेटवर्क, यानी कि जो नेटवर्क सिस्टम है वो उनके एरिया से काफी डिस्टेंस पे है। तो अल्टीमेटली दे आर द मेन रीजंस। फिर उसके बाद क्या होता है, अब देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ये इंडिया में कब से इनकी बात शुरू की गई थी, 1970 से इनका स्टार्टिंग हुई थी, और सबसे पहले ये जो स्टार्टिंग हुई थी ये हुआ था सेल्फ एम्प्लॉयड वेमेन्स एसोसिएशन। सबसे पहले एक एसोसिएशन बनी थी इंडिया में 1970 में जिसका नाम था सेल्फ एम्प्लॉयड वेमेन्स एसोसिएशन। एट दैट टाइम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज मिसेस गांधी, मिसेस इंदिरा गांधी,
उसके बाद फिर क्या होता है, फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट चलाया गया, नाबार्ड ने चलाया था। मैंने आपको शायद अर्लियर लेक्चर्स में आई हैव डिस्कस दैट नाबार्ड क्या होता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, और ये 12 जुलाई 1982 को बना था। और नाबार्ड का मेन काम क्या होता है, लोन फाइनेंसिंग करता है, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस देता है किसके लिए, फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए, जो इसके नाम में ही क्लियर है, ठीक है। तो 1992 में उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, और इसमें क्या था, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट था। माइक्रो फाइनेंसिंग मतलब छोटी छोटी जो जरूरतें हैं उनको फाइनेंस करने के लिए प्रोजेक्ट चलाया था। फिर नाबार्ड ने आरबीआई के साथ क्या किया, मिलके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो थे उनको सेविंग अकाउंट खोलने के बारे में बात की, कि इनका भी सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। और ये बात कब से हुई थी, 1993 से ये सब चीजें स्टार्ट हुई। फिर 1999 में जो इंडियन गवर्नमेंट थी अंडर मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, उनके अंडर में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, एक स्कीम स्टार्ट होती है इंडिया में, जिसका नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसका मेन पर्पस क्या था कि प्रमोशन किया जाए जो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है रूरल एरियाज में, मतलब आप अपना रोजगार खुद से स्टार्ट करिए रूरल एरियाज में थ्रू द फॉर्मेशन एंड स्किलिंग ऑफ द, यानी इनको जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है इनको प्रमोट किया जाए, इनको स्किल्स की जरूरत है तो उनको वो प्रोवाइड की जाए और अल्टीमेटली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया जाए। फिर ये जो प्रोग्राम था, फिर इसने नेशनल मूवमेंट, मतलब ये एक नेशनल मूवमेंट में कन्वर्ट हुआ 2011 में, और इसका नाम पड़ गया नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, जिसे NRLM भी बोलते हैं। और आज की डेट में जो स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है, जिसको SRLM बोलते हैं, ये इंडिया के 28 स्टेट्स में और 5 यूनियन टेरिटरीज में चल रहा है, दिल्ली एंड चंडीगढ़ को छोड़ के बाकी जगह पर ये चल रहा है। और जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, ये यूनिवर्सल एक्सेस देता है, जितने भी मतलब जो कॉस्ट इफेक्टिव फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो गरीब लोगों को, जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब जो भी उनको नॉलेज चाहिए फाइनेंस की फील्ड में वो उनको प्रोवाइड करता है, बैंक अकाउंट की फैसिलिटीज, सेविंग्स की, क्रेडिट की, इंश्योरेंस की, रेमिटेंस की, पेंशन की, काउंसलिंग, यू नो, उनको सलाह देना, उनको एडवाइस करना ऑन द फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, मतलब ये इसका बैकग्राउंड था जो हम लोग आज पढ़ेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इसका थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड दिया है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अभी इस स्लाइड को हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। तो जो भी आपको डाउट्स हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर से रिगार्डिंग, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल आंसर ईच एंड एवरी स्टूडेंट।